हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एलेंगे। आज क्लास 7 का हम लोग 4.2 एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं। तो पहला सम्स आपका दिया हुआ है, लेट अस मैच द टू साइड्स ऑफ वेरीफाइंग द लॉ। यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन में मैचिंग दे दिया है। तो आपका फर्स्ट सम दिया हुआ है, लेट अस मैच द टू साइड्स ऑफ वेरीफाइंग द लॉस। मतलब हम लोग को लॉस को मतलब वेरीफाई करना है और जो आपका मैचिंग दे उसको मैच करना है। तो आपका पहला नंबर दिया हुआ है, प्लस सिक्स प्लस माइनस टू इक्वल्स टू माइनस टू प्लस प्लस सिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस सिक्स माइनस टू इक्वल्स टू माइनस टू प्लस सिक्स यानी फोर इक्वल्स टू फोर। ठीक है, और अगर इसको हम लोग चेंज भी कर देंगे पोजीशन को तब भी वही आएगा, जैसे कि माइनस टू इधर हम लोग इसे चेंज कर दिया पोजीशन तो भी यही आया और इधर भी यही आया। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि यह एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है। कैसे? तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में आपका ये होता है कि आप किसी भी जो भी इंटीजर है उसके पोजिशन को अगर आप चेंज करिएगा, जो ब्रैकेट यूज़ होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी नंबर आएगा तो आपका वह सेम आएगा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देते हैं, ठीक है, एग्जांपल इसमें दिया हुआ नहीं है, फाइव प्लस सिक्स प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपका ब्रेकेट दे दिया, मैंने थ्री इंटीजर जानबूझ के कि जाके आपको समझ में आए, और आपको ये वाला को पहले दिखला देंगे तो ये ब्रैकेट यानी पहले इन दोनों को जोड़ेंगे फिर ये जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका आएगा इलेवन और ये प्लस वन, तो ये आपका हो जाएगा ट्वेल्व। अगर इसी को हम लोग इस तरह से जाएंगे तो फाइव प्लस सिक्स नहीं प्लस वन, ठीक है, तो आपका हो जाएगा फाइव प्लस सेवन इक्वल्स टू, और इसको हम लोग ऐसे भी सजा सकते हैं, फाइव प्लस वन ब्रैकेट प्लस सिक्स इक्वल्स टू सिक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू ट्वेल्व। तो यानी किसी भी पोजीशन को चेंज करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट का पोजीशन चेंज हो गया। देखिए माइनस टू पहले आ गया और प्लस सिक्स बाद में आ गया, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम आ गया। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि यह एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है। तो इंटीजर फॉलो द एसोसिएटिव लॉ ऑफ, ये आपका नंबर टू के साथ मैच हो जाएगा, यानी वन इक्वल्स टू टू नंबर। टू नंबर में आपका क्या दिया हुआ है, इंटीजर फॉलो द एसोसिएटिव लॉ लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, नंबर टू, नंबर टू में आपका दिया हुआ है माइनस एट माइनस और ये प्लस टू is not equals to plus टू minus और माइनस एट। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इज नॉट इक्वल्स टू पहले बोल दिया। जानते हैं कि एसोसिएटिव लॉ में वो एडिशन सबट्रैक्शन सबको फॉलो करता है, तो यहाँ पे सब नॉट इक्वल्स टू दिया है जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि वह एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अगर यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू दिया है तो हम लोग पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये इक्वल है या नहीं पहले, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऑलरेडी बता दिया नॉट इक्वल्स टू है। तो माइनस एट और माइनस प्लस माइनस टू इज इक्वल्स टू माइनस टेन। ठीक है, माइनस टेन इधर आ गया तो उधर देखते हैं पहले क्या आता है, तो प्लस टू और माइनस माइनस प्लस एट यानी प्लस टेन, तो ये इक्वल नहीं है। यानी यहाँ पे इक्वल नहीं होने के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ सबसेक्शन को फॉलो नहीं किया है। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो जो ये इंटीजर है वो फॉलो नहीं कर रहा है एसोसिएटिव लॉ को, क्योंकि ये सबट्रैक्शन में इक्वल आना चाहिए लेकिन ये इक्वल नहीं है। नंबर टू का थ्री जो दिया हुआ है, इंटीगो डू नॉट फॉलो
एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्सट्रैक्शन नंबर थ्री. नंबर थ्री में आपका दिया है माइनस वन, माइनस माइनस इलेवन इसको सॉल्व कर लेते हैं. पहले इस ब्रैकेट में ये दिया हुआ है, ये देख लीजिएगा पहले, और यहाँ पे उस साइड में ये ब्रैकेट है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस वन माइनस माइनस प्लस इलेवन, ये जाएगा इसका तो माइनस माइनस प्लस ट्वेल्व इज नॉट इक्वल्स टू माइनस होल में रहेगा, ये माइनस इलेवन, ये माइनस माइनस प्लस टू है, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका टेन प्लस ट्वेल्व इज नॉट इक्वल्स टू माइनस वन, और ये माइनस होल इक्वल होल में हो जाएगा आपका प्लस वन. टेन प्लस ट्वेल्व यानी ट्वेंटी टू इज नॉट इक्वल्स टू माइनस वन और माइनस वन, यानी कल ट्वेंटी टू इज नॉट इक्वल्स टू माइनस टू, ठीक है. ये हो जाएगा आपका नंबर थ्री. तो नंबर थ्री में मैं ऊपर लिख लेती हूँ आपका सब्सट्रैक्शन के कारण यहाँ पे ये एक दूसरे के बराबर नहीं हो पा रहे, और ये ब्रैकेट चेंज होगा तब भी वो नहीं फॉलो कर पाएगा, तो ये एक कम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा, इसमें ये फॉलो नहीं कर पा रहा है. हम लोग कम्यूटेटिव लॉ में जानते हैं, और ये ब्रैकेट चेंज भी होगा और इंटीजर का पोजीशन चेंज भी होता है, तो वह कभी भी मतलब कि वह इक्वल ही होता है, कभी भी अनइक्वल नहीं होगा, तो ये एक फॉलो नहीं कर रहा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को. तो चलिए आप लिख देते हैं नंबर थ्री, इंटीजर डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ फॉर सब्ट्रैक्शन. थ्री का आपको आ गया फ़ोन नंबर, ठीक है. थ्री का फ़ोन नंबर हुआ, तो ये फ़ोन नंबर हम देखते हैं क्या हुआ. देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन दिखला रहा है, और यहाँ पे ब्रैकेट भी दिया हुआ है, देखिए कर्व ब्रैकेट, और उधर भी कर्व कर दिया है, और पोजीशन भी कर्व का चेंज है, पोजीशन ब्रैकेट का, तब भी ये दिखला रहा है कि ये इक्वल है. इक्वल यानी कि ये दोनों सब एडिशन, सॉरी यहाँ पे एडिशन का साइन है, तो यह कम्यूटेटिव एडिशन को फॉलो कर रहा है. तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट मैं आपको सॉल्व करके भी दिखला दे रही हूँ कि इक्वल आएगा.
ये देखिए यहाँ पे इक्वल आ जा रहे हैं दोनों, तो लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है एडिशन के, कम्यूटेटिव लॉ को एडिशन, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था और यहाँ पे भी एडिशन का साइन है, तो आपका हो जाएगा ये नंबर वन फोर का हो जाएगा ये इंटीजर फॉलो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर टू। लेट अस राइट अ नेगेटिव इंटीजर विच इज द सम ऑफ द टू नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ बोला है कि ऐसा नेगेटिव इंटीजर लिखिए जो सम हो दो नेगेटिव इंटीजर का, मतलब कि नेगेटिव इंटीजर को प्लस करके हम लोग दिखलाएंगे। तो हम लोग कोई भी अंक लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम मैं अपने मन से ही कुछ लिख देती हूँ और आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इक्वल ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इक्वालिटी का साइन रखेंगे। तो टू नंबर में पहले बोला है लेट अस राइट अ नेगेटिव इंटीजर, कोई भी एक नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं, जैसे कि -7, ठीक है, जो कि सम नेगेटिव इंटीजर का सेम है। तो अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -5 और प्लस -2, तो ये आपका -7 = -7 ही आएगा। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये सम, ये नेगेटिव इंटीजर इक्वल है सम ऑफ दिस नेगेटिव इंटीजर। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि -4 प्लस -3, ये भी हो गया -7 के बराबर, कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैंने एक लिख दिया, आप कोई भी उठा के आप लिख सकते हो, तो आपको मार्क्स मिलेगा ही। तो चलिए थ्री नंबर पे आते हैं। थ्री नंबर में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, लेट अस राइट द नेगेटिव इंटीजर विच इज़ डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे बोला है कि हम लोग ऐसा एक नेगेटिव इंटीजर लिखें जो पॉजिटिव इंटीजर के इक्वल में हो, मतलब यहाँ पे कोई भी एक हम लोग नेगेटिव इंटीजर लिखेंगे जो कि दो पॉजिटिव इंटीजर के बराबर हो। तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे भी, तो हम लोग ले लेते हैं पहले -15, ठीक है, -15 इक्वल्स टू +6 माइनस, माइनस का साइन हमने इसलिए दिया है, और यहाँ पे हम लोग कोई पॉजिटिव भी लेंगे तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये नेगेटिव इंटीजर के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग 6 माइनस करेंगे, 6 प्लस करेंगे 15 में, तो 21 आ जाएगा, ठीक है। तो ये -15 इक्वल्स टू +6 -21, दैट मीन्स -15 इक्वल आया। तो ये सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर के बराबर हो गया। तो यही मैंने बताने की कोशिश किया। तो चलिए नंबर फोर पे आता है। ये आपको शो करने का ज़रूरत नहीं है, बस आपको लिख देना है, लेट अस राइट बोला है, सिर्फ आपको लिख के बताना है। आप कोई भी यहाँ पे सब अपने मन से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, मैंने बस आपको समझाने के लिए क्वेश्चन दे दिया है, ज़रूरी नहीं है कि आप यही क्वेश्चन लिखो, ठीक है। नंबर फोर, लेट अस राइट सच अ नेगेटिव इंटीजर विच इज़ डिफरेंस ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे बोला है लेट अस राइट सच अ नेगेटिव इंटीजर, मतलब एक नेगेटिव इंटीजर लिखिए जो कि डिफरेंस हो दो ठो नेगेटिव इंटीजर का, मतलब कि हम लोग को नेगेटिव इंटीजर का डिफरेंस, मतलब नेगेटिव साइन ही लाना है, बीच में भी आपका नेगेटिव होगा और इधर से भी नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, कोई भी एक नंबर ले सकते हैं आप अपने से सोच कर, लेकिन सही आना चाहिए, बस इतना ध्यान दीजिएगा। इक्वल्स टू -32 माइनस, डिफरेंस बोला इसलिए माइनस यहाँ पर लेना ही पड़ेगा, -20, ठीक है। तो आपका आ जाएगा ये -12,
माइनस 32 प्लस 20 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 12। ठीक है, ये भी देखिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिखना है बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जानना चाहिए कि आपको समझ में आए कैसे इक्वेशन बनाना है आपको। ठीक है, तो आज का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, तो यहीं पे मैं आज एंड करती हूँ वीडियो को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, तो हम लोग ज़रूर आपके डाउट को क्लियर करेंगे। थैंक यू।